हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JDS एजुकेशन अकेडमी। सो एक न्यू वैकेंसीज आ रही है फ्रेंड आसाम की तरफ से, आसाम रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एडवर्टीजमेंट फॉर द सिलेक्शन ऑफ क्लस्टर रिसोर्सेज सेंटर कोऑर्डिनेटर अंडर द समग्र शिक्षा आसाम। तो यहाँ पर समग्र शिक्षा में SSC की वैकेंसीज आ रही है। यहाँ पर नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंट क्लस्टर कितने वैकेंट है हर एक क्लस्टर में ये दिया गया है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, इन सर्विस रेगुलर टीचर ऑफ एलिमेंट्री लेवल और सेकेंडरी लेवल हो उनको यहाँ पे एलिजिबल किया गया है, या फिर इन सर्विस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर अंडर द समग्र शिक्षा आसाम जिन्होंने आसाम में काम किया हो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, वो यहाँ पे एलिजिबल है। टीचर ऑफ द सेम मीडियम कैन बी अप्लाई अगेंस्ट द मीडियम स्पेसिफिक क्लस्टर सिंगल साइंस हिंदी क्लासिकल अरबिक संस्कृत टीचर ऑफ अ स्कूल विल नॉट बी एलिजिबल। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। टीचर ऑफ अ सिंगल एंड डबल टीचर स्कूल इज नॉट एलिजिबल। हेड मास्टर हेड टीचर प्रिंसिपल आर नॉट एलिजिबल। टीचर फ्रॉम द हाई PTR स्कूल सेल नॉट बी एलिजिबल इन केस ऑफ लोअर प्राइमरी PRT शुड बी नॉट मोर देन 30:1 इन केस ऑफ अपर प्राइमरी। द टीचर हुज स्कूल हैव नॉट परफॉर्म वेल इन गॉन्टस ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड डी आर नॉट एलिजिबल। ये भी एलिजिबल नहीं। मैक्सिमम एज आपकी 45 साल रखी गई है 1 जनवरी 2023 से। द मैक्सिमम एज 50 ईयर रखी गई है 1 जनवरी 2023 फॉर द टीचर हु हैर ऑलरेडी सर्व इन द CRC। बाकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया, ग्रेजुएशन फ्रॉम द UGC आपने कर रखा हो और NCTE रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपने DL या BEd कर रखा हो तो यहाँ पे एलिजिबल है। इन केस ऑफ डीमा हाजो कार्बी अलोंग एंड वेस्ट कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज। इन केस ऑफ गार्गो मीडियम क्लस्टर्स ऑफ करुम्प एंड गोलपारा डिस्ट्रिक्ट्स तब आपके लिए वैसे क्वालिफिकेशन रखेंगे BEd या DL। कंप्यूटर रिलेटेड आपको होनी चाहिए। प्रेफरेंसेज आपको टेट वालों को दी जाएगी, मास्टर डिग्री के साथ उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। बाकी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ये देख लीजिएगा क्या है। इसके लिए आपको सीधा अपना ऑनलाइन अप्लाई करना है फ्रेंड। यहाँ पर देखो पब्लिकेशन लिखा हुआ 12 तारीख को निकला था, लास्ट डेट रहेगी 12 जून 2023 तक। और फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा 20 जून को, पब्लिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट 22 जून को होगा, ICO एडमिट कार्ड 30 जून को, डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट 8 जुलाई को होगा, डिक्लेयर ऑफ रिटर्न टेस्ट 15 जुलाई को होगा, डेट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन 22 जुलाई एंड डिक्लेरेशन फाइनल डेट 31 जुलाई 2023। तो 31 जुलाई तक यहाँ पे 100% यहाँ पे आपका प्रोसीजर बता दीजिएगा। वेटेज यहाँ पे दिया हुआ है 100 मार्क का, 50 फ्रॉम द रिटर्न टेस्ट एंड 50 फॉर क्लास डेमोन्स्ट्रेशन। यहाँ पे नॉलेज ऑफ करिकुलम सिलेबस दिया 40%, जनरल अवेयरनेस 10% आएगा, SAT 10%, स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप 10%, जनरल इंग्लिश 10%, न्यूमेरेसी 10% आएगी, रीजनिंग आपकी 10% आएगी। टोटल आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है MCQ। बाकी ये क्लास डेमोन्स्ट्रेशन 50% रखा गया और इंटरव्यू 50% रखा गया। इस तरीके से आपका सिलेक्शन किया जाएगा फ्रेंड। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं आप डायरेक्टली आसाम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ से अप्लाई करेंगे फ्रेंड। मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, ये देखिए लिंक है यहाँ पे, आप www.ssaassamgovernment.in इस पर अप्लाई करके डायरेक्ट यहाँ